हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। उसमें क्या दर्शाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दर्शाना है। तो यहाँ पर कौन सा धनात्मक पूर्णांक ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मान लेते हैं। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न में हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जाएगा। अब क्या है प्रश्न दिया, इसका घन। तो अब सिद्ध करना है कि प्रत्येक घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला हम क्या दिया, 3q दिया होता, 3q का पावर 3 देते हैं। जब 3q का पावर 3 देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 3q × 3q × 3q यानी 3 बार, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 यानी 27। यहाँ पे q का पावर 3 यानी q का पावर 3 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे बराबर का साइन देंगे। अब 27 को क्या करते हैं, 27 क्या करते हैं, यहाँ पे 9 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो 9 × 3 = 27 होता है, इसलिए 9 × 3 यहाँ पे q का पावर 3 लिखते हैं। यहाँ q का पावर 3 दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, 3q का पावर जो 3, इसको जगह पे हम इसको m मान लेते हैं, यानी ये जो है इसको हम m मान लेते हैं, तो ये 9 की जगह 9 आ जाएगा और इसके जगह पे हम m लिख देते हैं, तो 9m आ गया, यानी पहला का हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब जहाँ m बराबर है 3q का पावर 3, अब दूसरा में क्या दिया हुआ, 3q प्लस 1 है, यानी इसको सॉल्व करना है, तो 3q प्लस 1 का पावर 3 यहाँ पर दे दिए, यानी 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला दिया उसको हम यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है इसका हम यूज करते हैं इसमें। तो जहाँ जहाँ ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए दिया, तो ए की जगह क्या दिया हुआ, 3q दिया हुआ, और यहाँ पे बी है, तो बी की जगह पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसमें फॉर्मूला में ए लिखा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 3q लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पे बी लिखा उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, पहला में ए क्यूब दिया हुआ, तो यहाँ पे एक जगह क्या है, 3q है, तो 3q पावर 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या है b³ है, यानी b³, तो b की जगह हम यहाँ देख सकते हैं 1 है, तो 1 का पावर 3 लिख दिए, प्लस 3a² b, तो प्लस की जगह प्लस 3a² b, एक जगह क्या हमारा 3q है, तो 3q² और b की जगह 1 है, तो 1 यानी 3a² b में ये सेट हो गया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद यह 3ab² है, तो 3 की जगह हमने 3 लिखा और ab² एक जगह क्या है 3q दिया हुआ और b की जगह 1 दिया है, तो 3ab² b की जगह क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसको हमने बैठा दिया, यानी जो फॉर्मूला है इस पर हमको पूरी अच्छी तरह से इसको बैठा देना है, केवल क्या करना है, जहाँ a है उसकी जगह 3q भरना है और जहाँ b है उसकी जगह 1 भरना है, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3q पावर 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 27q पावर 3 आता है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर देख चुके हैं। अब 1 का पावर 3 है तो 1 आया, और यहाँ पे इसको अब यहाँ पे क्या दिया, 3q का स्क्वायर दिया, यानी 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, यानी 3q का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 × 3 = 9 हो गया, q का स्क्वायर क्यों स्क्वायर होता है, तो 9 × 3 = 27, यहाँ क्योंकि यहाँ पहले 3b × 2 में यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 q का स्क्वायर यहाँ, उसके बाद फिर प्लस का साइन है प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं सबके बीच में यहाँ पे इंटू का साइन है, यानी तीनों को गुना कर देना, तो 3 × 3 = 9 यानी 9q, यहाँ पे क्यों दिया उसे 9q लिख दिया, इसको क्या कहते हैं सेम यहाँ पे उतार देते हैं, और ये जो 1 है ये यहाँ पे इसको हम लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बाकी जो है 27q² + 9q इसको यहाँ पे सेम उतार देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया, 9m + 1 के रूप में हमको उसको लाना है, तो यानी 9 को हमको कॉमन लेना पड़ेगा, यानी इसमें से अब हम 9 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 27 में से भी 9 कॉमन आ जाएगा, 27 यहाँ भी 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 कॉमन है, यानी तीनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो तीनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले 9 × 3 = 27 होता है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर में 3q बच जाता है, और यहाँ पर 27 है तो 9 × 3 = 27 होते हैं, तो अंदर में 3 बच जाएगा, यहाँ पे 9q है यानी 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पावर 3 है q का, तो यहाँ पे q का पावर 3 लिख देंगे, यहाँ पे q का स्क्वायर, तो यहाँ पे q² लिख देंगे, यहाँ पे q है तो केवल यहाँ पे q लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे q को हमने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया है, उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 कर देते हैं, और इसको ब्रैकेट में, अब इसका आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं इसमें से हमें कॉमन लिया तो ये आ गया 3q² + 3q² + q, अभी जो यहाँ पे ये जो निकले इसके जगह पे हम इसको m मान लेंगे, यानी 9 के हम 9 उतार देंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है इसको बदले में हम यहाँ पे m लिख देंगे,
और ये लास्ट में जो प्लस वन था इसको हम प्लस वन यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाइन एम प्लस वन के रूप में आ गया, जहाँ पे एम बराबर है थ्री क्यू पावर थ्री प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ये हो गया दूसरा सॉल्व हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब तीसरा, यहाँ पे तीसरा में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया, तीसरा में क्या थ्री क्यू प्लस टू है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखते हैं थ्री क्यू प्लस टू का है, थ्री क्यू प्लस टू का पावर थ्री देते हैं, अब ये इसको सॉल्व करना है। इसको भी हम ए प्लस बी को होल क्यू में बैठाएंगे और उसको सॉल्व कर सकते हैं आपके। तो एक जगह क्या करना है, जहाँ ए है वहाँ पे थ्री क्यू लिखना है, जहाँ पे बी है वहाँ पे टू लिखना है, और सेम ये जो फॉर्मूला हम इसको हम बैठा देते हैं। तो ये हमारा बैठ जाता है पूरा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं ये आता है, यहाँ दो का पावर तीन है, दो दूना चार, चार दूना आठ आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, तीन तीन नौ, नौ दूना अठारह, अठारह तीय चौवन, यानी चौवन क्यू स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व कर दो दूना चार, चार तीय बारह, बारह तीय छत्तीस क्यू, ये आ गया। इसको सेम उतार देते हैं, इसको यहाँ पे उतार देते हैं, और आठ को क्या करते हैं लास्ट में ले जाते हैं, यहाँ पर छत्तीस क्यों है यहाँ पे उतार देते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो सत्ताईस, चौवन और छत्तीस तीनों में से हम तीन को कॉमन, नौ को कॉमन ले लेंगे। तो नौ तीय सत्ताईस, नौ चौक, नौ छक चौवन, और नौ चौक छत्तीस, यानी फिर नौ तीय सत्ताईस, नौ छक चौवन, और नौ चौक छत्तीस, यानी तीनों में से हम नौ को कॉमन ले लिया। तो ये संख्या बची है, यहाँ क्यू को पावर थ्री था तो क्यू पावर थ्री, यहाँ क्यू को स्क्वायर था क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू था यहाँ पे क्यू, प्लस एट है तो प्लस एट उतार दिया। अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ से यहाँ को हम क्या मान लेंगे, इसको एम मान लेते हैं। तो नाइन की जगह नाइन, और इसके जगह पे हम एम बैठा देते हैं, प्लस एट लिख देते हैं। यहाँ पे एम बराबर, एम बराबर ये जो इस दिया हुआ, इसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे तीसरा को भी सॉल्व कर लिया। अब इसका आगे पढ़े हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।